कार्यकाल की शुरुआत और शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस,
जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि उन्हें समकालीन और इफेक्टिव बनाया जाए। फ्रेंड्स, आने वाले महीनों में ऑस्ट्रिया में चुनाव होंगे। मैं लोकतंत्र की जननी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोगों की ओर से चांसलर नेहमर और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। कुछ देर बाद हम दोनों देशों के सीईओ से मिलेंगे। मुझे ऑस्ट्रिया के माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिलने का सौभाग्य मिलेगा। एक बार फिर मैं चांसलर नेहमर के प्रति उनकी मित्रता के लिए आभार प्रकट करता हूं और भारत यात्रा करने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे ऑस्ट्रिया दौरे पर, और प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे हैं ऑस्ट्रिया। हालांकि ऑस्ट्रिया के नेताओं से उनकी अलग अलग मंचों पर मुलाकात जरूर हो चुकी है, लेकिन 41 साल बाद का यह समय जब कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचा है। ऑस्ट्रिया जिसके साथ न हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं, उसके साथ साथ सांस्कृतिक रिश्ते होने के साथ साथ आर्थिक समझौते कई रहे। एस जयशंकर जब पहुंचे थे इससे पहले, प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले, उस दौरान 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। और आज भी प्रधानमंत्री ने तरीके से ऑस्ट्रिया के साथ आपसी सहयोग और संबंधों की मजबूती का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। 75 साल का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इसके साथ ही सार्थक बातचीत हुई, यह भी आपने सुना प्रधानमंत्री को कहते हुए, मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक है, विशेष है, आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं और भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध और मजबूत होंगे, आपसी सहयोग को हम मजबूती देंगे। यूक्रेन पर भी बात हुई, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और इसके साथ एक बार फिर से ऑस्ट्रिया के मंच से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद जिक्र किया और यह कहा कि आतंकवाद साथ ही युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं, ये युद्ध का समय नहीं है, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। और युद्ध से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, प्रधानमंत्री की तरफ से ऑस्ट्रिया के इस मंच से कहा गया। एक बार फिर से यह संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है, आतंकवाद की हम घोर निंदा करते हैं। इससे पहले रशिया में मौजूद रहने के साथ ही प्रधानमंत्री ने इन दोनों मुद्दों को उठाया था, और फिर प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया में इन दोनों ही मुद्दों का जिक्र किया। और इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रिया के मजबूत होने के दिशा में किस तरीके से संबंधों को आगे बढ़ाया जाएगा, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचे, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। और इसके साथ ही एक दिवसीय ऑस्ट्रिया दौरा प्रधानमंत्री का था। वहां का जो कल्चरल हेरिटेज, जो भारत की झलक ऑस्ट्रिया में देखने को मिली, प्रधानमंत्री उसके गवाह बने, उसके साक्षी बने। और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला प्रधानमंत्री का लगातार जारी है। 41 सालों बाद कोई भारतीय पीएम ऑस्ट्रिया आया, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी पहुंची थी और फिर अब 2024 में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं।